कि आप आए यहाँ पर, आपने जो है टिकट विकेट लेनी है और टिकट लेके फिर आप आगे जाएंगे। भाई लोग जो है यूपी पुलिस से है और आर के थे यहाँ, राफ्टिंग वगैरह करी इन्होंने, उसके बाद यहाँ पर आए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ बद्रीनाथ केदारनाथ श्रीनगर वाले नेशनल हाईवे पे, और आज मैं आपको एक ऋषिकेश की एक बेहतरीन जगह ले जाना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है नीर वाटरफॉल। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, और आज हम आपको रूबरू कराएंगे नीर वाटरफॉल के। मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको ये रास्ता जाता है वहाँ का, इस रास्ते को रूबरू कराते हुए आपको लेके चलूंगा नीर वाटरफॉल में। गाइस, शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप भी ऋषिकेश आ रहे हैं और नीर वाटरफॉल का प्लान बना रहे हैं, तो आप जैसे ऋषिकेश आते हैं, ऋषिकेश से आपने तपोवन आना है, और तपोवन से सीधा आपने श्रीनगर जो केदारनाथ बद्रीनाथ वाला हाईवे है उसको पकड़ना है, और बीच रास्ते में जो है कि एक रास्ता कटता है जहाँ पर लिखा हुआ है कि नीर झरना करके एक बोर्ड और साइन बोर्ड लगे हुए हैं, तो आपने बस वही रास्ता पकड़ना है और आपने बस जो है कि नीर झरने की तरफ चलना है। गाइस, मैं अभी पहुंच चुका हूं नीर वाटरफॉल के रास्ते पे, और यहां जाने से पहले टिकट लेनी पड़ती है, जैसे कि यहां पर टिकट का वो रखा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप आए तो यहां पर आपने जो है टिकट विकेट लेनी है और टिकट लेके फिर आप आगे जाएंगे। यहाँ पर जो है सभी को टिकट लेनी पड़ रही है, और ये यहाँ पर इन्होंने बैरिकेड लगा रखा है, यहाँ पर टिकट विकेट लेके तभी आप आगे जा सकते हो। लेकिन उन्होंने पूछा कि आप आर्मी से हैं, तो उन्होंने कहा छोड़ दिया, क्योंकि वो रेस्पेक्ट करते हैं आर्मी की, और उन्होंने मुझे बिना टिकट के ही आगे जाने दिया। तो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ नीर झरना के बिल्कुल नीचे, और अभी हम हैं रोड पे, और उसके बाद हम चढ़ाई करेंगे ऊपर झरने के लिए। तो अभी एक रास्ता जो है ये जाता है टिहरी के लिए, नरेंद्र नगर के लिए, और ये रास्ता जो जिस रास्ते से हम आए थे पूरा जाम लगा हुआ है, यहाँ से ये आता है पूरा ऋषिकेश से तपोवन की तरफ से। अभी हम जाएंगे इस साइड में ऊपर, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है पूरा, इसको हम कवर करेंगे आज। गाइस, अभी हम चढ़ाई करने लग गए हैं ऊपर चढ़ने की तरफ, और आप देख सकते हैं ये पूरा कच्चा रास्ता है, और यहाँ पर दुकान भी है साथ साथ में। भाई नमस्कार, भाई जी छोड़ दिया था उन्होंने मुझे, छोड़ दिया। हाँ, क्यों? आर्मी करके। तो हम भी छोड़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। और गाइस, यहाँ पर है ना जो टिकट हम नीचे लेते हैं वो चेकिंग होती है, तो उन्होंने भी छोड़ दिया था, फिर इन्होंने भी छोड़ दिया था मुझे। गाइस, जैसे हम चढ़ाई करते हैं ना, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी है साइड साइड में, जैसे कि ये लगा हुए स्टॉल वगैरह है मैगी वगी की और चाय चोई की। यहाँ झरनों की कमी नहीं है, वही पानी झरना बनते बनते नीचे की तरफ जा रहा है, और अभी मैं सोच रहा हूँ आज सबसे जो ऊपर है वो वाला झरना कवर करूँ। अभी मैं लगा हुआ हूँ रास्ते पे, रास्ता थोड़ा सा यह है कि हाइट वाला है। और ये देखिए गाइस, यहाँ का रास्ता बड़ा मस्त मनमोहक रास्ता है भाई, ब्यूटीफुल। और ये पहुंच गए एक और पॉइंट है यहाँ पे। गाइस, काफ़ी दिनों के बाद पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा, चारों तरफ ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल वेदर, और अच्छा लग रहा है भाई, बहुत दिनों के बाद पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। नमस्कार भाई जी, इससे ऊपर भी है कि यही है? ऊपर भी है। अच्छा, ऊपर भी है, वहाँ भी जाते हैं लोग?
कितना दूर हो? 200 मीटर और। गाइस यहाँ पर बहुत भीड़ है और इससे ज्यादा भीड़ जो है जो नीचे था रोड के नजदीक उसमें थी, और जैसे जैसे आप ऊपर आ रहे हो ना वैसे वैसे जनता कम हो रही है। यहाँ पर सुविधाएं सारी हैं, यहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा, चाय मिल जाएगा, मैगी मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी चीज मिल जाएगा। आपको दिखाना चाहूंगा मैं, ये कुछ शॉप्स वगैरह यहाँ पर है, जैसे ये है एक दुकान यहाँ पर है, उसके बाद में यहाँ सामने एक और दुकान है, इस साइड में भी एक और दुकान है। ये छोटी छोटी जो है ना शॉप्स खोली हुई है लोगों की सुविधाओं के लिए, ताकि उनको यहाँ पर जरूरत का सामान मिल सके। बनती यहाँ पे है, और ये देखिए गाइस यहाँ पर भाई साहब ने बना दी मैगी। खाऊंगा मैं आ रहा हूँ जरा घूम के। तो गाइस यार यहाँ पर है ना पानी जो है घुटने तक है, और मैं सोच रहा हूँ ऊपर जाके नहाऊं, क्योंकि ऊपर जो है पानी बोला थोड़ा बहुत कैश तक आ जाता है। तो मजा तो तभी है जब आप पूरे पानी में घुसते हैं। एक गाइस मैगी पॉइंट, मैगी चाय सब मिलता है ना यहाँ पे, सब मिलता है। भाई लोग बैठे हैं, भाई एंजॉय कर रहे हैं, और ये ठंडी होने का ठीक है। अरे भाई क्या बात है यार। और गाइस ये देखो यार यूनिक तरीका है भाई, नेचुरल तरीके से यार ठंडा हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पानी की बोतल भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया दिमाग लगाया भाई इसने। और गाइस यहाँ पर ना मजा आ रहा है चल के, काफी दिनों बाद पहाड़ों में चढ़ने का मजा आ रहा है। और गाइस ये देखो क्या संकरा रास्ता है भाई यहाँ, बिल्कुल आप आए तो सावधानी से आए, सावधानी से जाएं। तो फाइनली गाइस चढ़ाई करते करते मैं पहुंच गया हूँ मेन जो है नीर वाटरफॉल के पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ काफी लोग हैं, इससे ज़्यादा भीड़ नीचे है क्योंकि नीचे आसान है, यहाँ पर थोड़ा सा पहुँचना मुश्किल है। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर लोग जो है काफ़ी एंजॉय भी ले रहे हैं। बहुत बढ़िया है, दूध हो रहे हैं सर। ओके कैसे लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया है, नज़ारा आ रहा है। तो गाइस ये थे हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग आ रहे थे यहाँ पे और एंजॉय ले रहे हैं नीर वाटरफॉल का। यार हरियाणा से और हरियाणा से आ रखे भाई लोग। ठीक है भाई, ओके एंजॉय करो यार। जय श्री राम गाइस। यहाँ आके मैगी का आनंद नहीं लिया तो फिर मजा नहीं आता। मैंने मैगी का ऑर्डर दे दिया और मैगी तो खाएंगे, तो जो है अंकल जी ने अभी मैगी उगी जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो गाइस यार यहाँ पर अंकल जी ने मैगी बना दी और अब मैं जो है मैगी का आनंद ले रहा हूँ। और ये देखिए यार मजेदार मैगी बनाई इन्होंने, फर्स्ट क्लास टमाटर प्याज डाल के, और मैगी खाने का मजा तो वैसे बाहर ही है भाई। भाई इधर मेरे साथ एक सरदार जी आए थे लिफ्ट लेके, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ और वो अभी तक मिले ही नहीं है। बीच रास्ते मिले थे, वो नहाने की तैयारी कर रहे थे और मुझे लग रहा है वो नहा रहे होंगे। चलो आप चलो, मैं तब तक आपकी फोटो वोटो खींचता हूँ, दे दो मेरे को दे दो। यार यहाँ आए और मैंने कहा नहाया नहीं तो मजा कुछ नहीं होगा, मुझसे बढ़िया मैंने कहा यार चलते हैं अभी नीचे और एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। बहुत ठंडा है पानी और सभी लोग जो है बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आपके सारे के सारे जो है ना नीर वाटरफॉल का जो है पूरा कवर अप हो रहा है। यहाँ पर झरने के पानी में एंजॉय करते हुए, तो भाई पानी बहुत ठंडा है और मजा भी आ रहा है बहुत। भाई लोग जो है पूरा एंजॉय करते हुए ये लोग, भाई लोग जो है यूपी पुलिस से है और आ रखे थे यहाँ, राफ्टिंग वगैरह करी इन्होंने, उसके बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर जो है नीर वाटरफॉल का मजा ले रहे हैं। देखो भाई लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं भाई। भाई आपसे मिलकर बात खुशी हुई भाई। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।
गाइस यार मजा आ गया और अब पियेंगे चाय। और पानी तो ठीक अच्छा है वैसे, बिल्कुल ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, बढ़िया लग रहा है मुझे तो। और अब पीते हैं चाय, पहुंच गया यहाँ पर, बन रही है चाय मेरे लिए। नहीं हाँ धन्यवाद। और अंकल जी लगे हुए हैं भाई सेवा करने पे। हाँ जी धन्यवाद साहब, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। भाई हमारा यूपी पुलिस का, और हमने साथ में जो है कि यहाँ पर लाइव ट्वीट करी और एंजॉय करा और मजा आया ना भाई। आपका नाम? आर्यव्रत राणा। इनका नाम है आर्यव्रत राणा, भाई खतरनाक नाम है यार, तगड़ा एकदम है। चलो बहुत बढ़िया एकदम। और कैसे लगा यहाँ आके? मजा आ गया। भाई ने जो है चैनल वही सब्सक्राइब कर लेना, डालूंगा वीडियो में। तो ठीक है यार, हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलके, बढ़िया लगा यार, मस्त एकदम। और आप अगर जहाँ मेन पॉइंट पे आते हैं ना, तो इनके हाथ की मैगी एंड चाय जरूर लें। और अंकल जी जो है लोकल ही है, बिल्कुल मेरे पास के ही निकले। प्लास्टिक प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। लोग जो है गंदगी फैलाते हैं और आप यहाँ पर सफाई करने जा रहे हो, इससे बेटर और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया। साथ में भाई साहब भी है, आप कहाँ से सर? हरियाणा से हूँ, भिवानी से। अच्छा आप भिवानी से, बहुत बढ़िया। लांबा साहब कैसा लगा आपको? आते रहता हूँ आप यहाँ? दूसरी बार आ रहे, बहुत बढ़िया यार, अच्छी बात है। तो अकेले आए? फिर मिसी गए, लेकिन वो यहाँ नहीं आए। ओके, अब पहले आई थी उस टाइम, उसको पता चल गया कि यहाँ थोड़ा मुश्किल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मेरा कोई परेशानी नहीं है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया सर, आना भी चाहिए, एडवेंचर करना भी चाहिए। एडवेंचर और फिटिंग के लिए हाँ जी, बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग आएंगे तो इन लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, जो लोग यहाँ पर दुकान खोल के बैठे हुए हैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ये हमारे भाई साहब जिन्होंने हमें परमिशन दी यहाँ आने की। क्या नाम है? प्रमोद सिंह केंद्र। प्रमोद सिंह केंद्र, ये भाई थे यार जिन्होंने हमें परमिशन दी थी आने के लिए, और उन्होंने बोला कि आप वैसे ही जा सकते हो। तो भाई यार लोग अभी आए जा रहे हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा काफी ट्रैफिक है, काफी भीड़ है, और टू व्हीलर्स भी बहुत ज्यादा है और फोर व्हीलर्स भी बहुत ज्यादा है। और दिल्ली मेरठ गुड़गांव से तो काफी लोग आ ही रहे हैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। तो यार आज आपने नीर वाटरफॉल का जो है रूबरू हुआ आप, और अच्छा भी लगा। तो अभी करते हैं ब्लॉग की समाप्ति और मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।